जय श्री कृष्ण दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। जाने जन्माष्टमी का इतिहास और पूजा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जानो जन्माष्टमी नो इतिहास अने पूजा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी, नो दी हिस्ट्री एंड वर्शिप ऑफ जन्माष्टमी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों को ये वाणीव्रत चैनल में स्वागत है। दर्शकों, यहाँ आपको हिंदू धर्म ग्रंथों, हिंदू पौराणिक कथा, हिंदू माइथोलॉजी और सनातन धर्म से जुड़े छुपे और अद्भुत रहस्यों की जानकारी वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। आइए आज हम आपको प्राचीन काल से चली आ रही है परंपरा के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी और जन्माष्टमी का इतिहास और पूजा का रहस्य, इस रहस्य की जानकारी आपको इस वीडियो से मिलेगी। इसी कारण से यह वीडियो अंत तक देखो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आवे, कृपया वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जन्माष्टमी एक वार्षिक हिंदू त्यौहार है। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, जिसे जन्माष्टमी और गोकुलाष्टमी भी कहे जाते हैं। यह एक वार्षिक हिंदू त्यौहार है जो भगवान कृष्ण के उनका जन्म का जश्न मनाता है। इस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस साल यानी 6 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। वही कुछ लोग 7 सितंबर को भी भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे। जन्माष्टमी दिन श्री कृष्ण के भक्त व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को साल भर के व्रतों से भी अधिक शुभ फल प्राप्त होता है। इसके अलावा इस दिन कृष्ण चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। मान्यता है कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की चालीसा पाठ करने से मुरली मनोहर की विशेष कृपा बनी रहती है, साथ ही जीवन में सभी परेशानियों और दुख समाप्त हो जाता है। इस वर्ष जन्माष्टमी के लिए रोहिणी नक्षत्र 6 सितंबर को सुबह 9 बजे से शुरू होगा और 7 सितंबर को सुबह 10:25 बजे तक रहेगा। 6 सितंबर को कृष्ण जन्मोत्सव की रात रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि पड़ रही है, इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन वही दिन मनाई जाएगी। जन्माष्टमी का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ जन्माष्टमी। भगवान कृष्ण का जन्म अगस्त से सितंबर के महीने में अष्टमी की आधी रात को मथुरा में हुआ था। उनका जन्म राजा कंस, जो उनके मामा थे, जेल की काल कोठरी में हुआ था, क्योंकि उनके माता पिता देवकी और वासुदेव जेल में थे, जहां कंस ने उनके पहले 6 बच्चों को उनके जन्म के तुरंत बाद मार डाला था और उनके 8वें बेटे के जन्म की प्रतीक्षा कर रहा था, ताकि वह पैदा ही हो सके उसे मार डाला जाए, क्योंकि वह न केवल अजय होना चाहता था बल्कि अमर भी होना चाहता था। पौराणिक कथा के अनुसार देवकी और वासुदेव के 7वें पुत्र बलराम का भ्रूण रहस्यमय तरीके से देवकी के गर्भ से गोकुल में वासुदेव की पहली पत्नी रोहिणी के पास स्थानांतरित हो गया था और जब उनके 8वें बच्चे कृष्ण का जन्म हुआ तो वासुदेव ने उन्हें यमुना नदी पार करके बचाया था और वृंदावन जाकर यशोदा और नरनंद को सौंप दिया था। हालांकि कंस को पता चला कि बच्चा पड़ोसी के गांव में है, तो उसने राक्षसों और राक्षसियों के भेजकर कृष्ण को मारने की कई प्रयास किए, लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ। अंत में जैसे जैसे कृष्ण बड़े हुए, मथुरा लौट आए और अपने मामा कंस का विनाश किया। कृष्ण, जिन्हें मक्खन बहुत पसंद था और उन्हें माखन चोर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वह चोरी करने के लिए बहुत प्रसिद्ध थे और एक मत्सरा थे और वृंदावन में पले बढ़े और बाद में महाभारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कृष्ण जन्माष्टमी अनुष्ठान, कृष्ण जन्माष्टमी रिचुअल्स। इस दिन को मनाने के लिए कृष्ण मंदिरों को सजाया जाता है।
झांकी निकाली जाती है, जबकि धार्मिक स्थलों पर सत्संग के साथ साथ भजन और कीर्तन भी होते हैं। कई स्थानों पर भागवत पुराण के अनुसार कृष्ण के जीवन पर रासलीला का आयोजन किया जाता है। कृष्ण के जन्म के समय आधी रात तक भक्ति गायन, उपवास, व्रत, रात्रि जागरण और अगले दिन एक उत्सव महोत्सव आयोजित किया जाता है। जन्माष्टमी के लिए भगवान कृष्ण की मूर्तियों को साफ किया जाता है और नए कपड़ों और गहनों से सजाया जाता है। उनके जन्म के प्रतीक के रूप में मूर्ति को पालने में रखा जाता है। महिलाएं अपने घर के दरवाजे और रसोई के बाहर अपने घर की ओर चलते हुए छोटे पैरों का निशान भी बनाती है, जो उनके घरों में कृष्ण की यात्रा का प्रतीक है। विशेष रूप से कृष्ण जन्माष्टमी उत्तर प्रदेश के मथुरा और वृंदावन के साथ साथ कई अन्य स्थानों पर भी मनाई जाती है, जहां कृष्ण के भक्त रहते हैं या जहां वैष्णव समुदाय रहते हैं, जैसे मणिपुर, आसाम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि। कृष्ण जन्माष्टमी के बाद नंदोत्सव मनाया जाता है। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी और जन्माष्टमी का इतिहास और पूजा का रहस्य, इस घटना के बारे में बहुत से मित्र प्रश्न पूछते हैं। उसका मैं यहाँ कुछ उस प्रश्नों के बारे में कुछ समीक्षाएं रिव्यूज पेश कर रहा हूँ। गुजरात सूरत से श्री मनसुख भाई टाक ने प्रश्न पूछा है कि कृष्ण जन्म के बाद खीरे का क्या करें। जन्माष्टमी पर बाल गोपाल को खीरे का भोग जरूर लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि खीरे से भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। खीरा चढ़ाने से नंदलाल भक्तों के सारे कष्ट हर लेते हैं। पूजा के बाद खीरे का प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की मिस अमेलिया ने एक प्रश्न पूछा है कि जन्माष्टमी के व्रत में पानी कब पीते हैं। उसका जवाब है, जन्माष्टमी व्रत में पानी पीना चाहिए कि नहीं, धार्मिक मान्यता के अनुसार जन्माष्टमी के दिन पूरा दिन ग्रहण पानी किया जा सकता है। इसको लेकर किसी भी तरह की कोई भी मनाई नहीं है होती है, लेकिन सूर्यास्त के बाद भगवान कृष्ण के जन्म समय तक जल ग्रहण करने की मनाई होती है। तीसरा प्रश्न जर्मनी से श्री क्रिस्टीना ने एक प्रश्न पूछा है कि जन्माष्टमी के व्रत में रात को क्या खाना चाहिए। उसका उत्तर है, ऐसे में जन्माष्टमी के व्रत में मखाने के जरूर खाइए। जन्माष्टमी के व्रत में दूध और दही भी खाया जा सकता है। दूध पानी से शरीर को एनर्जी मिलती है और पेट लंबे समय तक भरा रहता है। वही दही खाने से प्यास कम लगती है और शरीर हाइड्रेट रहता है और पेट भी हल्का रहता है। ऐसे में व्रत के दौरान दूध और दही का सेवन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी थी श्री कृष्ण जन्माष्टमी और जन्माष्टमी का इतिहास और पूजा का रहस्य। इस घटना के अगर यह स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सवाल है तो वो आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बताइए। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़ी रहे। यदि आप श्री लक्ष्मी यंत्र और ध्यान के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कृपया विवरण डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।